अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं डेली रूटीन में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ तहरी। ये वेजिटेबल तहरी बना रही हूँ मैं। तो ये देखिए, हमने आलू काट लिए हैं ऐसे डाइस की शक्ल में। मटर ले ली है और गाजर, जो मेरे पास अवेलेबल सब्जी थी मैंने वो ले ली। आप लोग इसमें गोभी वगैरह भी डाल सकते हैं। मैंने एक बड़ी प्याज ले ली है, सात आठ हरी मिर्चें या 10 हरी मिर्चें हैं, और ये एक बड़ा टमाटर ले लिया है, और मैं इसके साथ बना रही हूँ लौकी का रायता। तो मैंने लौकी को भी छील के पानी में भिगो दिया है काट के। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, अब मैं इसको डालूँगी एक कुकर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम लौकी को उबाल लेते हैं और इसमें पानी डाल के हम इसे गला लेंगे। अब देखिए, ये हमारा लौकी हमारी अच्छी तरह गल गई है। अब हम इसे मैशर से मैश कर लेंगे। अच्छी तरह इसे मैश करना है। और हमने दही ली है, इसे हमें फेंटना है। अब हमें दही में डालना है थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर हम इसमें डालेंगे एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, एक चम्मच नमक। इसे हमें डाल के अच्छी तरह फेंटना है और ये लौकी को भी अच्छी तरह इसे मैशर से अच्छी तरह मैश कर दीजिए। अगर आपके पास मिक्सर मशीन है तो थोड़ा सा इसमें पीस लीजिए। अब ये देखिए, अब हम बनाने शुरू कर रहे हैं तहरी। अब हमने तेल कुकर में डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे हम प्याज, और ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला निकाल लिया है, तेज पत्ता निकाल लिया, ये सब हम इसमें डालेंगे। अब देखिए, ये मैंने सारा ये गरम मसाला थोड़ा थोड़ा सा, जिसमें दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्ची, तेज पत्ता, ये सब था, डाल दिया है प्याज के साथ। अब हम मसाले हमारे इसी ऐसी थाली में हम मसाले निकालते हैं। देखिए, हमारी मिर्चें ज़्यादा हैं तो हम इसी हिसाब से लाल मिर्चें लेंगे और एक चम्मच धनिया पाउडर, ये एक चम्मच हल्दी पाउडर या थोड़ा सा और ज़्यादा, क्योंकि हमारे 1 किलो के करीब चावल हैं। और ये आ गया हमारे पास नमक। जितना हमारे पास चावल है आप अपने हिसाब से नमक डालिए। मैं 3 चम्मच नमक डालूंगी और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी मैं इसी में ही निकाल लूँगी। जब तक हमारी प्याज हो रही है, उसके बाद हम ये मसाले इसमें ऐड करेंगे। ये प्याज भी हमारी हो गई है। अब हम इसमें हमारे तमाम मसाले
और ये टमाटर हरी मिर्ची ये सब हम इसमें ही डालेंगे। सब चीज़ें अच्छी तरह साफ करके डालिए और इसे थोड़ा चूल्हा भी फिलहाल कम करिए, फिर उसके बाद तेज करके भूनिए। अब देखिए हमने सब चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अब हमें इसे थोड़ा सा मैंने पानी डाला, अब हमें इसे भूनना है। अच्छी तरह इसे भून लीजिए मसाले को, ताकि मसाले का कच्चापन निकल जाए। अब देखिए ये हमारी लौकी भी घुट गई है। अब हम इसमें अपनी दही में ये सब लौकी डालेंगे। और ये डालिए, फिर उसके बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये हमने सारा लौकी इसमें, हमने ये मसाला अच्छी तरह हमारा भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये हमारी सारी वेजिटेबल, इसमें डाल के हम इसे चलाएंगे। चला रहे अच्छी तरह इसे हमें चलाना है। फिर हम इसमें पानी डालेंगे, जितना आपके चावल हैं उसका डबल आप पानी डालिए। अब हम इसमें पानी डालेंगे। चावल हमने पहले ही भिगो के रख लिए हैं। चलाते रहो इसको थोड़ा। ये हमारे 1 किलो चावल हैं। तो हमें इसका दुगना पानी डालना है, हमने पहले ही भिगो के रखे थे। ये चावल मेरे भीगे हुए चावल हैं। अब हम इसका पानी निकाल के चावलों में डालेंगे, ये पानी में डालेंगे। अब हम इसमें पानी में ये चावल डालेंगे। और हमें इसे इसको इस स्टेज पे आप इसका नमक मिर्च सब चेक कर लीजिए। अब हमने ये सारे चावल इसमें डाल दिए हैं, हमें इसे अच्छी तरह मिलाना है। और अब हम इसका नमक मिर्च सब टेस्ट कर लेंगे और इसके अंदर ढक्कन लगाकर हमें 2 सीटी आने तक इसे पकाना है। मैंने इसका नमक सब टेस्ट कर लिया है। अब मैं इसमें नींबू डालना भूल गई थी, इसमें नींबू डाल के फिर हमें इसका ढक्कन लगाना है। इसे चला दीजिए नींबू डाल के, फिर हमें इसे 2 सीटी आने तक हमें इसे पकाना है। देखिए अब हमें भगार लगाना है, हमारा तड़का देना है। रायते में हमने तेल गरम कर लिया है, इसमें हम डालेंगे लाल मिर्ची सूखी 2-4 और ज़ीरा, ये डालकर हमें थोड़ा सा चलाना है और फिर इसको रायते में डाल के तड़का देना है। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है, अब हम इसमें डालेंगे हमारा मज़ा। इसे चला लीजिए और ये हमारा रायता बनके तैयार है। देखिए ये हमने कुकर खोल लिया है, ये चावल हमारे हो गए हैं। ये देखिए कैसी खिली खिली तहरी बनी है।
आप इसे एंजॉय कीजिए। आप इसे वेजिटेबल पुलाव भी कह सकते हैं। इसे बनाइए मेरे तरीके से, बनाइए इसे अच्छी तरीके से, ऊपर नीचे कर दीजिए ताकि सब एक जैसे हो जाएं। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो मेरे तरीके से बनाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी डिश को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और रेसिपीज़ बना सकूं। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। आइए खाने के लिए।